हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बयान कि वे नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे, ये हिमाचल के हितों के साथ कुठाराघात है। नीति आयोग वो संस्था है जिसके अंदर आने वाले समय के अंदर हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली सहायता का निर्णय होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना, और वो भी तब जब लगातार हिमाचल प्रदेश को केंद्र की श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार हजारों करोड़ रुपए की सहायता निरंतर उपलब्ध करा रही है, जिस तेज गति के साथ फोर लेन्स के निर्माण का काम, टनल्स के निर्माण का काम, सड़कों और रेलवे के निर्माण का काम, अधोसंरचना के निर्माण का काम और पेयजल योजनाओं की दृष्टि से जो सहायता मिली है वो सदैव से बढ़कर के है। इसी प्रकार एक दिन पहले ही पार्लियामेंट में और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की कि आपदा की दृष्टि से विशेष सहायता हिमाचल प्रदेश को दी जाएगी, जबकि आपदा राहत में पहले भी 1782 करोड़ रुपया राहत के रूप में मोदी सरकार ने अलग अलग समय के ऊपर दिया, 11,000 मकान दिए गरीबों के लिए, 1,000 करोड़ रुपया मनरेगा में विशेष सहायता रहेगी। ये सब होने के बाद भी लगातार 2,600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दिया गया और अब पुनः लगभग 1,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाते केसेस केंद्र के पास आए हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे समय के ऊपर नीति आयोग का बहिष्कार करके हिमाचल के हितों के साथ और कुठाराघात करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा भी करती है और सुझाव भी देती है कि वो इस प्रकार का काम ना करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल।